नमस्कार, आदाब। आज भिवंडी शहर के चौहान कॉलोनी क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई। शौचालय की टंकी फट गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए और तीसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल है, जिसके बचने की उम्मीद भी नहीं है। बहरहाल, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका स्वच्छता अभियान के नाम पर स्वच्छ भिवंडी और सुंदर भिवंडी का सपना भिवंडी शहर के लोगों को दिखा रही है, मगर भिवंडी शहर में हज़ारों की संख्या में मौजूद शौचालय की साफ़ सफाई, देखभाल, देख रेख का कोई सही से बंदोबस्त नहीं है। आमतौर से BOT सिस्टम पर दे दिया जाता है 30 साल के लिए और ठेकेदार अपनी मनमानी करता है। इसी की मनमानी आज देखने को मिली भिवंडी शहर के चौहान कॉलोनी क्षेत्र में, जहां बड़ी बात यह है कि साफ सफाई तो नहीं है, मगर जो लोग शौचालय में जाते हैं उनसे 3 रुपया लिया जाता है। आइए इस संबंध में बात करते हैं इसी इलाके के नगर सेवक साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं से। अभी ये जो शौचालय में जो घटना हुई है, ये शौचालय मेरे ख्याल से 16-17 साल पुराने पहले MMRDA के अंदर में ये बनी हुई है शौचालय। हमारे चुन के आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर करवाया था, प्लास्टर वगैरह। तो ये कोई संस्था है, उसके अंडर में है, उसी के लोग आके देख रेख करते हैं। तो इसमें कुछ बीच में मैं 2-4 मरता एक आध 2 साल पहले भी मैंने लेटर लगाया था कि उसको सही से देख रेख की जाए, तो उन लोग संस्था के अंडर में देखी जाती थी, महानगर पालिका के अंडर में नहीं देखी जाती थी। जो MMRDA जो प्राइवेट टॉयलेट है, ये प्राइवेट जैसे संस्था को दिया गया है, उनके अंडर में सब देख रेख के लिए दिया गया है। इसमें कॉरपोरेशन का कुछ अमल दखल नहीं है। इसमें कॉरपोरेशन जैसे कुछ बाहर का कुछ रहता है तो उसके लिए आती है, बाकी ये जो काम था संस्था का काम है, उसकी देख रेख साफ सफाई सब करना। तो ये संस्था और उस वक्त के लोग क्या ठहराव किए थे मुझे तो उसमें मालूम नहीं है। संस्था का जो एग्रीमेंट होता है 30 साल का, हाँ, उसमें ऐसा है 50 पैसा नहाने का और 25 पैसा शौचालय जाने का, और एक बाकायदा इसका अगर फैमिली है तो फैमिली का कार्ड बनता है। हाँ, तो यहाँ तो 3 रुपए का बोर्ड लगा। उसके लिए मैंने कॉरपोरेशन को उसकी मालूम दी थी कि भाई ये संस्था का और इनका जो है कॉरपोरेशन का, इनका MMRDA का क्या लेन देन है इसमें, जो भी है अपना इसको, इसके लिए मैं कंप्लेंट किया था। उन लोगों का क्या वहाँ पे बात हुई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये रेट का मुझे नहीं, मुझे खाली इसमें देख रेख कैसे ही होना चाहिए मुझको उसकी फिक्र है। बोर्ड लगा हुआ 3 रुपए का, हाँ, और वो गलत है। नहीं, उसके लिए भी अभी करेंगे, लेकिन मेन थिंग मुझको यहाँ पे जो इसकी सहूलत जो होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई, और ये जो हादसा जैसा भी हुआ अभी, ये तो समझ लो खाली चेंबर हुआ, ऐसा कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। ये घायल हुए जो इनका जवाबदार कौन होगा? इनका जवाबदार जो संस्था जो इसका ठेकेदार है उनकी जवाबदारी है। ये कम से कम उसके अंदर जो भी है, ये जो ब्लास्ट कब हुआ, जब उसके अंदर गैस ज्यादा पैदा हो गई तो हुआ ना, उनकी नुकसान भरपाई अभी उनसे हम करके लेंगे, नहीं तो हम खुद करेंगे। क्या हुआ है आज यहाँ पर चौहान कॉलोनी में? हमारे मदरसे के बाजू में ये संडास है टॉयलेट, ये कम से कम 20-25 साल से है। यहाँ पर संडास की कुंडी भर गई थी, साफ सफाई करते नहीं थे और नमक वगैरह कुछ डाले नहीं थे, तो गैस बनने के कारण वो दोनों कुंडी फट गई। फटने के बाद 2 जन को मार लगाए, नुकसान हुआ है। अभी मुसी पांड्याले यहाँ पहुँचे हैं और सब कर्मचारी पहुँचे, हमारे वार्ड के नगर सेवक डॉक्टर जुबेर भी यहाँ पहुँचे हैं, सब लगे हुए हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग साइड और संडास संभालते हैं उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्या तकलीफ है, जो भी मतलब गैस बन रहा है
और भी कुंडी भर जाती है, साफ सफाई करते नहीं है। कितने लोग घायल हुए थे? दो जन को मार लगा है। दो जन को मार लगा है, तो महानगर पालिका से कुछ मांगे हैं जिनको मार लगी है? हमारी ये विनती है कि जो मार लगा है जिनको, उनका जो भी है पूरा इलाज करा के दें। और ये जो संडास है बहुत पुरानी हो गई है और इस पर ध्यान नहीं दे रहे कॉरपोरेशन के लोग, और जो संभालते वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर कोई अच्छा आदमी बैठे जो ध्यान दे और साफ सफाई रखे। अच्छा, ये दोनों लोग कहाँ एडमिट हैं? एक IGM हॉस्पिटल में एडमिट है और एक रॉयल हॉस्पिटल में एडमिट है। तौसीफ शेख, ये भाई है मेरा, बाथरूम में गिर गए, टाकी फट गया पूरा और उसको लगा है मार। ये बागे मदीना मस्जिद के पास चौहान कॉलोनी। ज़्यादा मार लगी? हाँ ज़्यादा लगा है, थोड़ा टाके का लगा उसको। और भी तीन जन खत्म हो चुके हैं ऐसा सुने, और दूसरे को भी टाके पैर उर पर लगा है मार। तौसीफ कासिम शेख।